नमस्कार। हमेशा की तरह आज फिर एक नए विषय पर चर्चा करते हैं। आज का जो विषय है वो है मेन गेट। जो परिवार साउथ फेसिंग घर में रहता है और उनका अपना मेन गेट साउथ में साउथ वेस्ट कोने की ओर लगा हुआ है, तो ऐसे घर में रहने वालों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वास्तुशास्त्र में साउथ वेस्ट के मेन गेट को सबसे ज़्यादा गलत माना गया है। यहाँ पर मेन गेट आने से घर में रहने वालों में आपसी मनमुटाव होने के कारण बनते हैं, झगड़े होने के कारण बनते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी मेंबर में गलत आदत आने के कारण भी बन जाते हैं, बेवजह गलत जगह पैसा भी खर्च होने के कारण बनते हैं। घर के अंदर बच्चे शादी के लायक है तो बच्चों की शादी में भी समस्याएं बनती है। इसलिए घर के साउथ वेस्ट के भाग में कभी भी मेन गेट को नहीं लगाना चाहिए। बहुत सारी जगह ऐसा होता है जहाँ डिपार्टमेंट के नियम होते हैं जिसमें दो घर के गेट साथ साथ लगाए जाते हैं। ऐसे में एक घर का गेट पॉजिटिव हो जाता है और दूसरे घर का गेट नेगेटिव हो जाता है। यदि आपके यहाँ इस तरह की समस्याएं आ रही है तो मैं आपको आपके गेट के कुछ वास्तु दोष के उपाय के बारे में बताऊंगा जो आप इजी वे में अपने यहाँ कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपने मेन गेट को चेक करें। यदि आपके मेन गेट पर जंग लगा हुआ है या पेंट की पपड़ी बनकर उतर रहा है तो उसे सही कराएं। यदि आपका मेन गेट खुला है, जाली वाला है, तो उसके ऊपर चादर लगाकर उसे पूरा कवर करें। लोहे की शीट, लोहे की चादर लगाकर इसे कवर करेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको करना क्या है, जो आपका मेन गेट है, मेन गेट पर क्रीम कलर का या येलो कलर का पेंट कराएंगे या लाइट ब्राउन कलर का पेंट कराएंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट जरूर मिलेंगे। इसके साथ साथ दूसरा जो काम करना है आपने वो ये है, जो आपका मेन गेट है, मेन गेट के एक पिलर से लेकर दूसरे पिलर तक आपको एक दहलीज बनानी है। यानी जो आपके पिलर है, पिलर से दूसरे पिलर तक आपको एक गेट के नीचे दहलीज बनानी है जिसकी ऊंचाई 1 इंच से लेकर 1.5 इंच 2 इंच तक हो सकती है। जितना आपको मार्जिन लगे उतनी मोटाई की आप एक दहलीज बनाएंगे तो इससे आपके सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। आपका पैसा गलत जगह खर्च नहीं होगा। और इसके साथ साथ यदि आपके यहाँ बच्चे शादी के लायक है तो उनकी शादी होने के भी रास्ते बन जाएंगे। आपको एक काम और करना है, जो आपका मेन गेट है, यदि आपके मेन गेट से एंट्री करने के बाद फ्रंट का भाग खुला है तो ऐसे में आपको एक छोटा सा काम करना है। मान लीजिए ये आपकी बनी हुई बिल्डिंग है और फ्रंट में आगे का भाग ओपन है। ऐसे में जो आपका पिलर है, पिलर से लेके दीवार तक, वेस्ट की दीवार को साउथ वेस्ट कॉर्नर से बनी बिल्डिंग तक जितनी ऊंची करेंगे उतने ही आपको अच्छे रिजल्ट जरूर मिलेंगे। जो समस्याएं आपके यहाँ चल रही है वो सारी समस्याएं एक एक करके दूर हो जाएगी। घर में रहने वालों के सबके व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा, सोच अच्छी होगी, आपसे संबंध भी अच्छे बने रहेंगे। एक काम और करना है, जो आपका मेन गेट है, जब आप अपने मेन गेट पर पेंट कराएं या तो लाइट ब्राउन कलर का या लाइट क्रीम कलर का या येलो कलर का पेंट कराएंगे तो उसके साथ साथ जो आपका रैंप है, रैंप के ऊपर भी आपने पेंट कराना है। और साथ में ध्यान रखना है, जो आपके पिलर हैं, जो गेट के पिलर हैं, यदि उनके ऊपर टाइल्स लगी हुई है या पत्थर लगा हुआ है तो उसके ऊपर या तो पेंट कराकर इनका कलर चेंज करें या इनको चेंज कराकर, पत्थर लगा हुआ तो पत्थर को चेंज कराएं और टाइल लगी हुई है तो टाइल को चेंज कराकर येलो कलर, क्रीम कलर या लाइट ब्राउन कलर करेंगे तो इससे भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मैंने आपको 4-5 पॉइंट बताए हैं। एक तो आपने अपना मेन गेट सही करना है, जाली वाला खुला है तो उसके ऊपर चादर लगाकर उसे कवर करना है। तीसरा काम आपने जो करना है, जो दहलीज है वो लगानी है एक पिलर से लेकर दूसरे पिलर तक। दहलीज लगाते समय ध्यान रखना है, बहुत सारी जगह होता है क्या है कि जो मेन गेट होता है, मेन गेट की ओर फर्श की ढलान होती है, ऐसे में जब धुलाई करते हैं तो सारा पानी मेन गेट से बाहर निकलता है। तो आपको ध्यान रखना है, जो आप दहलीज बनाएंगे इसके अंदर कोई भी कटिंग नहीं होनी चाहिए, पूरी की पूरी दहलीज आपकी सॉलिड होनी चाहिए। और यदि यहाँ पर आप धुलाई करते हैं तो पानी दहलीज के ऊपर से होकर जाए, यहाँ से कटिंग से पानी बाहर ना जाए। दहलीज को किसी भी कीमत पर कट नहीं करना। एक बात और ध्यान रखनी है, जब आप दहलीज लगाएं
तो ध्यान रखना है कि ये दहलीज कभी भी ना टूटे। यदि दहलीज टूट जाती है तो बिना देरी किए इस दहलीज को सेम डे में ही लगवाने की पूरी पूरी कोशिश करें और लगवाएं। ऐसा करेंगे तो आपके यहाँ किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी, आपकी जो समस्या है उसका हल भी हो जाएगा। सिर्फ आपने ये छोटे छोटे काम करने हैं। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।